अच्छा और बाकी। अच्छा कब हुआ ये? ओहो, तो क्या सारा सामान ले गए क्या? शुक्रिया बेटे, थैंक यू। ओहो, तो सब नुकसान हो गया होगा ये तो यार। हाँ हाँ वो तो ठीक है सारा, लेकिन ये गार्ड किधर थे? सिक्योरिटी का तो यहाँ काफी सख्त इंतजाम है। हाँ नहीं, तो बेहोश कर दिया था या आंख लग गई थी उसकी गार्ड की? हाँ यार गर्मी है, मौसम इस तरह का है कि बस बंदा कहता है कि तू थोड़ा सा रेस्ट कर ले। हाँ, तो मैं भी यार बस अभी आया हूँ, थोड़ा लेट हो गया अच्छा हूँ, खाना खा रहा हूँ। ना बता, थोड़ा लेट हो गया, बच्चे बच्चे सब खा चुके थे खाना, अब अकेले खाना पड़ रहा है। हाँ दाल है, पराठा है, अचार है। हाँ नहीं, यार सिक्योरिटी तो हमारी यहाँ कॉलोनी की अच्छी है, लेकिन फिर भी अब इस तरह का हादसा हो गया, हमें अपनी तरफ से भी जो है ना कोई हिफाजती काम करने पड़ेंगे। बात सुनो, आप जल्दी खा लो, फिर चले दर्जी के पास, बंद ना हो जाए दुकान। अच्छा, बस खा रहा हूँ मैं, चलते हैं फिर। हाँ यार जाना था दर्जी के पास, टाइम लिया था, उससे ईद आने वाली है ना, तो दर्जी मसरूफ हो रहते हैं, और ये भी तो आजकल VIP बन जाते हैं ना, टाइम लेना पड़ता है इनसे, फिर तो जाना है उनके पास। अच्छा चल यार सलीम, बंद करता हूँ, बस अब ईद आ रही है ना, तो जल्दी जल्दी हमने काम सारे फिनिश करने हैं, तो जाएं दर्जी के पास भी, ओके हैं उसको अपना कपड़े शपड़े दें, ठीक है ना? फिर इंशाल्लाह बात होगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ बाबा? फिजा क्या हुआ ना था बेटे, पिछली 2-3 गलियों में पीछे ना एक घर में चोरी हो गई है रात को, वो चोरी? गार्ड की बेचारे कहीं आंख लग गई, तो उन लोग इस ताक में थे और उन्होंने अपना काम कर लिया। आजकल तो लोग बिल्कुल ही बेहिस हो गए हैं, कि बिल्कुल ख्याल नहीं करते किसी का भी, कोई कितने मेहनत से कितना मुशक्कत से जाके कमा कमा के लेके आते हैं, और वो मिनटों सेकंडों में चट करके चले जाते हैं उनके सामान। बच्चों हमारी कॉलोनी की सिक्योरिटी तो वैसे अच्छी ही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमें जो है ना अपना जाती तौर पर भी अपने घर का खास ख्याल रखना पड़ेगा, दरवाजे खिड़कियां वगैरह ये वो खास हमने ध्यान रखना, ठीक है? और एक बात और बेटे, बातों को तो हम लोग घर नहीं होते, बच्चे आप लोग घर होते हो, आप लोग अपने में ख्याल करना है कि चोर वगैरह कोई ओ आ बस जाए। बस बाबा, हमें सब पता है, हमें इन चीजों से लड़ना आता है। और वो वैसे भी अगर कोई आए ना हमारे सामने, ऐसे गर्दन पकड़ के, ऐसे उसके हाथ पकड़ेगी, मैं उसकी टांगे पकड़ूंगा भाई। ये तो बेटा जी, जब चोर सामने आएगा ना लग पता जाएगा ये तो फिर। ओ बाबा, जब चोर आएगा ना उसको पकड़ के ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा जब तक उसकी आवाज नहीं आएगी। हाय 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 मुझे क्या हो गया? बाबा आपको क्या पता, ये ट्रिक है, जब चोर को मार पड़ेगी ना तो उसकी आवाज ऐसे निकलेगी, हाय 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 बोला। कोई हाल नहीं है बच्चों आप लोगों का भी। साउंड इफेक्ट्स होते हैं, आपको क्या पता? नहीं तो बेटा जी, ये साउंड इफेक्ट आपने चोरों से ही लेने हैं, हैं? बहरहाल मैं और मामा भी जा रहे हैं दर्जी के पास, ठीक है ना? तो वहां से शायद हम आपकी खाला की तरफ चले जाए, मामा ने वहां जाना खाला के पास आपकी, तो उसके बाद फिर घर आऊंगा। आप लोगों ने अपने पीछे खास ध्यान रखना है, ठीक है? कोई पता नहीं कोई इस तरह के चोर चक्के कोई यहाँ पे नजर रखे हो, कब यहाँ कोई बड़े निकले और पीछे हम लोग अपना काम ठीक करें, है, ठीक है ना? हमारी फिक्र ना किया, ये देख रहे हैं बेटा जी, हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा है? हम कर लेंगे, ठीक है? मुझे क्या गया भाई, वो बात अंदर गई है। हरीम उससे कहो अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं है, हमने चोर पकड़ना है, जल्दी बाहर निकालो उसे। भाई जब चोर आएगा ना तो मैं एक चोर को इस गन से शूट कर दूंगी। ये गन? अरे हरीम इसे तो हवा में नहीं निकलती तो गोली कहाँ से निकलेगी? रखो अपने पास एक गन, हमें कुछ और सोचना होगा। क्या करूँ क्या करूँ? फिजा बोलो यार, गेम भी नहीं खेलने देते। फिजा मोबाइल को इधर रखो, हमने देखना चोर का क्या करे। क्या मतलब क्या करे? मोबाइल देखने से क्या चोर पकड़ा जाएगा? ओहो फिजा मेरी बात नहीं समझ रही, किस तरह चोर को पकड़ना है? मोबाइल रखोगी, हम लोग आराम से बैठ कर कुछ सोचेंगे ना। हाँ ये ठीक है,
अब मैं बताती हूँ अगर चोर आया उसे कैसे पकड़ना है। कैसे? हमारे घर में जितने भी चीजें हैं ना सारी यहाँ ले आओ। तो ये है हमारी हिफाजती चीजें। चोर कहाँ बच के जाओगे? अयान ये दमूसा बैट आप उठाओगे। दमूसा बैट? यार समझो पूरी बेसबॉल वाला उठाओ। बेसबॉल बैट। हाँ। और हनी आप ये वाली तलवार उठाओगी। ये नहीं दूसरी इसको लाफे। हाँ। लाफे क्या होते हैं? वो ही रफाटे हैं। हाँ। यार शुपेके या ये टुंडी है छोड़ो इसको। भाई टुंडी है दूसरी उठाओ। लेकिन फिजा आप क्या पकड़ोगी और इन चीजों का क्या करना है? है? ये कहाँ गई? उन्हें छोड़ोगी कहाँ गई? अब ये सोचो कि करना क्या है। हाँ, हाँ भाई तो करना ये मैं लूंगी एक बड़ी सी चादर और जैसे ही चोर आएगा उसके ऊपर मैं चादर डाल दूंगी। और हरीम आपने क्या करना है? आपने उस चोर के ऊपर बैठना है और उसके बाद अयान आपने उसे पीछे से मार मार के उसको लाल कर देना है। हाँ इस तरह। हाँ ऐसे ही। फिजा वैसे मुझे बात समझ नहीं आई कि मैंने मार मार के करना है क्या वो लाल है? हाँ जी। अच्छा जी चलो भाई ठीक है मैं अपनी चादर लेके आती हूँ और प्लानिंग करते हैं। ओके चलो उधर जाके बैठते हैं। ओके ओके अच्छा बस ठीक है अब इतनी जोर से भी नहीं मारा। और हाँ ये चादर मैं लेके आई थी उस चोर के ऊपर डालने के लिए। पिज़्ज़ा हम तो कब से बैठे हुए हैं चोर का इंतजार कर रहे हैं अभी तो चोर ही नहीं आया हम लोग क्या करें? बस अयान वेट करो मुझे पता है कि उस चोर को पता होगा हमारे मामा बाबा घर पे नहीं है तो वो जरूर यहाँ आएगा बस थोड़ा सा वेट करो। मतलब उसने हमें देख लिया होगा कि मामा बाबा चले गए? हाँ जी बेटा चोर बहुत तेज होते हैं लेकिन हमसे तेज नहीं होते हम उनसे ज्यादा तेज हैं। ये देखो One hour later. कौन है? चोर आ गया चोर आ गया। चलो रेडी हो जाओ हटो यहाँ से मुझे खोलने दो। रुको पिज़्ज़ा बाबा ने क्या कहा था कि पहले पूछते हैं कौन है। हाँ कौन? खोलो बेटा। देखो फिजा किसी ने बाबा की आवाज चेंज की हुई है क्या पता बाबा ही हो। नहीं फिजा क्योंकि चोरों ने आजकल साउंड इफेक्ट यूज किया होता है ना। हाँ यार आप सही कह रहे हो कोई भी साउंड इफेक्ट निकाल सकता है बाबा नहीं लग रहे है मुझे। हाँ और वैसे भी बाबा इतनी जल्दी थोड़ी ना आ जाते उनको तो एक घंटा लगना था। हाँ। वैसे भी एक घंटा हुआ है। हाँ, लेकिन दो घंटे लग रहे थे। हाँ क्योंकि उन्होंने जाना था पहले दर्जी के पास दर्जी इतनी दूर है फिर उन्होंने उसके बाद खाला के पास जाना था फिर इधर आना था। अब क्या करें ये बाबा नहीं है। चलो फिजा अब दरवाजा खोलते हैं। हाँ और जब हम लोग इस चोर को पकड़ लेंगे तो फिर देखना पूरे मोहल्ले में हमारी वाह वाह हमारी सारे लोग बातें करेंगे इन बच्चों ने चोर को पकड़ा बड़ी बहादुरी से हमारे चर्चे होंगे। बोलो भी सही। जी जी हाँ हाँ खोलते हैं। वन टू थ्री ने मार डाला बस क्या कर दिया ये मार डाला बाबा आप ये क्या कर दिया हमने? यही तो मैं कह रहा हूँ अरे क्या कर दिया मेरे साथ तुम लोगों ने। अरे
बहुत दर्द हो रहा है बाबा, वो दर्द हो रहा होगा ना, दर्द हो रहा होगा। अच्छा पापा ये सब छोड़े, हमें एक बात बताए, अगर आपके पास चाबी थी तो आप चाबी से खोल के क्यों नहीं आए? हमें लगा कोई चोर आ गया। अरे हम तो दर्जी के पास गए थे, वापस आ रहे थे कि अब्दुल्ला भाई मिल गए, मामा आप भी उनके साथ चली गई और मैं सीधा घर आ गया। जब घर आके देखा तो चाबी गाड़ी में नहीं थी, वो मामा के बैग में रह गई थी, इसीलिए मैंने दरवाजा बजा दिया और आपने मेरी बजा दी। सॉरी बाबा, लेकिन हमें लग रहा था कि हमने तो बड़ी बहादुरी से चोर को ठोक दिया। ठोक दिया तो मुझे जाने दो। जल्दी ले आ, अभी इसके अंदर बर्फ है, अब बाबा जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो यार ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे क्या ज्यादा दर्द है, बोलो यार क्या मसला है, गेम नहीं खेलने देते? फिजा मोबाइल रखो, इसको यहाँ पे रखो, और हमें बंदोबस्त करना है कि चोर का क्या करना है। क्या करें क्या मतलब, मोबाइल रखने से चोर आ जाएगा? आ जाएगा। वेट 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 लास्ट ओके। हाँ ये बात सही है, तो फिर मैं बताती हूँ कि चोर को कैसे पकड़ना है। कैसे? हाँ अच्छा अच्छा क्या? अम्मा चलो चलो, हरीम बाबू रेड वाली तलवार, हरीम टू थ्री गो। हरीम आप ये वाली तलवार उठाओगी, ये नहीं दूसरी, इसको लाफे। हाँ वही रपाटे और शिपैके। ठंडी है वो। हाँ ये और फिजा मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो मैंने मार मारते करना है। फिजा वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो मैंने करना है वो लाल है नहीं, वो लाल है नहीं, वो लाल है नहीं। फिजा आप, आपने तो मैं ड्राई किया था बाय, अगर आप मारते तो क्या करते? पिंग पोंग। वेट ये चलो फिजा अब दरवाजा खोलते हैं, फिर देखना पूरे मोहल्ले में। रुको फिजा, पहले बाबा ने कहा नहीं था पूछो कि कौन आया है, चलो पहले